उल्हासनगर मध्ये येशू ख्रिस्त जन्म उत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला। यावेळी ख्रिस्ती बांधवांनी शहरात मिरवणुकीचं आयोजन केलं होतं। या मिरवणुकीत हजारो ख्रिस्ती बांधव येशू ख्रिस्ताच्या नावाचा जल्लोष करत मिरवणुकीत सहभागी झाले होते। ही मिरवणूक उल्हासनगरच्या विनस चौकातून काढण्यात आली आणि कॅम्प 1 येथे समाप्त करण्यात आली। शहरात इतर समाजातील बांधवांना ख्रिस्ती धर्मात धर्मांतरण करून घेत असल्याची शहरात बोंब असताना आम्ही कोणाला आमच्या धर्मात ओढून ताणून आणत नसून ज्यांना आमच्या धर्माबद्दल प्रेम आहे ते आमच्या धर्माचा स्वीकार करतात। देशातील प्रत्येक नागरिकाला कोणताही धर्म स्वीकारण्याचा संविधानिक हक्क असल्याचा जितू राठोड यांनी सांगितले। ये जो यात्रा है ये पिछले 7 सालों से हम उल्हासनगर में निकाल रहे हैं। ये यीशु जन्म उत्सव यात्रा है। जिस रीति से सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दिसंबर 25 तारीख जो है उसमें इस पृथ्वी पर आए, जो कि क्रिश्चियन समाज के भगवान हैं, परमेश्वर हैं, उनके जन्मोत्सव की यात्रा हम इसको उल्हासनगर में निकालते हैं। और संपूर्ण उल्हासनगर में जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में आए प्रेम का संदेश लेकर आए, उस प्रेम के संदेश को देने के लिए, प्यार को बांटने के लिए इस उल्हासनगर में हम इस रैली को निकालते हैं। कुछ दिनों से शहर में ऐसा बताया जा रहा है कि धर्मांतर का ये मामला चल रहा है, क्या आपको आपको इस बारे में कुछ बताएं? देखिए, धर्मांतरण का जो आप विषय आपने मुझसे किया है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी का भी जबरन धर्मांतरण नहीं कर सकता। और धर्म जो है वो मेरे बाहर नहीं लगा हुआ है, धर्म मेरी नस में है, रग में है, मेरे खून में है। कोई भी किसी को जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकता। घटना में लिखा हुआ है कि आप अपनी स्वतंत्रता से मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, हर जगह पर जा सकते हैं। आज मैं आपके सामने क्रिश्चियन समाज के साथ में बात कर रहा हूँ, हो सकता है कल मैं किसी मंदिर में या किसी गिरजा किसी और दूसरे जगह पर जाकर आपसे बात कर सकता हूँ। तो ये मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो एक व्यक्ति के मूलभूत अधिकार हैं, उनके ऊपर कोई भी रोक नहीं ला सकता। कोई भी कहीं भी जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ओके।